अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज हम लोग रॉयल कैनन कैट फूड है जो ये इसका रिव्यू करेंगे। ये आपने कभी भी पाकिस्तान में डॉग या कैट कभी रखा हो तो आपने इस फूड का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर और वेट्स किस चीज़ को रिकमेंड करते हैं वो ये फूड होती है। बट अब इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे क्या ये फूड इतनी वर्थेबल है कि हम इसको जो है सबसे ऊपर रखें या ये ओवर रेटेड फूड है, या इसके कंटेंट्स इंग्रेडिएंट देखेंगे, दूसरी फूड के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और इसकी प्राइस के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी पैकेट की प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रा गोल्ड जो है ये रॉयल कैनन है, मदर एंड बेबी कैट फूड है। ये इस टाइम 400 ग्राम का पैकेट मेरे हाथ में है और ये एक 400 ग्राम आधा किलो भी नहीं है और ये फूड है एक 1050 रुपये की। और जहाँ के आपको दूसरी फूड एक किलो या डेढ़ किलो वो आपको 1200 रुपये में तीन किलो की भी फूड आपको मिल जाती हैं, और ये सिर्फ अपनी प्राइस की वजह से ही, अपने ब्रांड अवेयरनेस होने की वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर मार्जिन बहुत कम होते हैं और इसकी प्राइस जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। अब ये 400 ग्राम की प्राइस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 400 ग्राम जहां आपको चार जो है 1050 रुपये मिल रहे हैं, उतने में आपको 1 kg या 1.5 kg फूड उतने में बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब जैसे हमने कल जो है न्यूट्रा गोल्ड कैट फूड का रिव्यू किया था तो 1 kg वो 1200 रुपीज़ की थी, और ये 400 ग्राम जो है 1050 रुपये की है, सिर्फ 150 रुपये का फ़र्क है सिर्फ 1 kg के अंदर। दूसरा, अब हम इसकी जो है प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात कर लें तो इस कैट फूड के अंदर जो है 34% प्रोटीन है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो कैट की रिक्वायरमेंट होती है वो 32% जो प्रोटीन होती है। इसके अलावा इस कैट फूड के बारे में रिव्यूज़ लोगों के मिक्स्ड हैं। कुछ लोग मोस्टली लोग सभी कहते हैं कि अच्छी कैट फूड है, हमारी कैट को सूट करती है, बट कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि ये कैट फूड खाने से उनकी कैट को जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या कैट वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, इसके अंदर जो है फ़ाइबर कंटेंट बहुत कम है। अब ये वाली जो कैट फूड है इसके अंदर फ़ाइबर कंटेंट आप जो देख सकते हैं वो है 1.9%, जबकि आपकी कैट की जो रिक्वायरमेंट है फ़ाइबर कंटेंट की वो है 3.4% तक भी होती है। और जहाँ के कल हमने न्यूट्रा गोल्ड के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो न्यूट्रा गोल्ड के अंदर 7% तक फाइबर होता है, तो वो एक बहुत एक अच्छी जो प्लस पॉइंट है न्यूट्रा गोल्ड का इसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत कम रखा हुआ है, इसलिए आपको इसके अंदर समटाइम कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग जो है कैट्स के अंदर देखने को मिलती है ये फूड खाने के बाद। और जो इसके अंदर प्लस पॉइंट है इस फूड के अंदर वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने जो प्रोटीन कंटेंट डाले हुए हैं या प्रोटीन का सोर्स है वो बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैट जो है थोड़ा पोर्शन फूड का खा रही है तो उसके अंदर उसको इनफ एनर्जी जो है वो मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टिबल बहुत ज़्यादा, वेस्ट नहीं होती जितनी भी फूड खाते हैं वो कैट्स को लगती है। बट कुछ का जो फूड्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि वो जो फूड खाते हैं उनमें से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और बहुत कम डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स उसके अंदर होती हैं। बट इसके अंदर ये एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर जो है डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं और कैट को बहुत जल्दी ये हेल्दी करती है और हर चीज़ उसकी बैलेंस रहती है। तरह इसकी प्राइस, ये फूड ओवररेटेड है मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये फूड ओवररेटेड है। इसके अलावा मार्केट में बहुत अच्छी फूड्स हैं, आप न्यूट्रा गोल्ड की बात कर लें, आप टेस्ट ऑफ द वाइल्ड की बात कर लें, और दूसरी जो कैट फूड्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी इसी तरह की हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी अच्छी कुछ कैट फूड्स हैं। बस ये ओवररेटेड होने की वजह से, और बहुत पुरानी कंपनी है, ये एक फ्रेंच कंपनी है जो कि काफ़ी साल पहले यूरोप में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, और ये पहली कंपनी है जिसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखेंगे इसके किटन के लिए आपको मिलता है, इसके लिए आपको जो जूनियर जो स्टेज है उसके लिए मिलते हैं, अडल्ट के लिए मिलते हैं, यूटीआई का अलग मिलता है, स्किन के लिए आपको फॉर्मुलेशन अलग मिलती है। तो इस फूड का एक और प्लस पॉइंट है कि इन्होंने हर एज ग्रुप है उसके लिए अलग फूड बनाई हुई है। हर तरह के, अगर किसी को स्किन का मसला है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक फूड मिल जाती है, अगर किसी को ब्लैडर का इशू है तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक फूड मिल जाती है। तो अगर मैं मोस्टली ये कि फूड तब रिकमेंड करता हूँ जब कोई इशू हो कैट को, फॉर एग्जांपल उसको यूटीआई का मसला है, उसको स्किन का मसला है, उसको वॉमिटिंग डायरिया का मसला है, उसको या बहुत ज़्यादा कोई एलर्जिक रिएक्शन है उसको, तो फिर मैं कुछ मेडिकेटेड इसकी फूड जो है रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज अगर आपने जस्ट कैट को रेगुलर फूड देना है तो इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, अदरवाइज़ ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बट इसकी प्राइस के कंपेरिजन में, इसी प्राइस में आपको बहुत अच्छी फूड्स जो हैं और मिल जाती हैं जो इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में होती हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हम अभी इसी रिव्यू सीरीज़ के अंदर सारी फूड्स का ऑलमोस्ट रिव्यू करेंगे। तो ये आज का हमारा कैट फूड का रिव्यू था, इसमें कुछ जो ओनर्स के रिव्यू हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, वो भी आप देखिएगा कि लोग मोस्टली इस फूड से सेटिस्फाइड हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कैट्स को जो है ये सूट नहीं करती है, या वो कैट्स उनकी वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन का उनको मसला हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूड जो है मिक्स रिव्यू रखती है। पर इंटरनेशनली वो बहुत प्राइम फूड नहीं है, बट इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है,
हर तरह ये जो है क्लिनिक्स को हम अकोमोडेट करते हैं, उनको फ्लैक्स वगैरह फ्लेयर्स वगैरह बना के देते हैं, इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलती है हर जगह। इवन आप दुबई के क्लिनिक्स पे देखेंगे तो वहाँ पे रॉयल कैनन की ब्रांडिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड फूड है। होपफुली आपको काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी फूड का रिव्यू हम लोग और करें तो वो भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग जो आपकी कैट फूड खा रही है उसके बारे में भी रिव्यू बना सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।